Students, today we'll be learning about ultrasonic machining. In short, it is also known as USM, ultrasonic machining. Ultrasonic are those frequencies which are beyond the capability of human beings hearing, and therefore these processes are silent. In these processes, very high vibration is made on the tool of the order of 20 to 40 kilohertz. The vibration of the order of 20 to 40 kilohertz. Now what happens? Let us see the construction of this setup. Here you can see there is ultrasonic oscillator. The purpose of this ultrasonic oscillator is to increase the frequency of commercial electrical supply which is having a frequency of 50 hertz. तो ये अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर जो 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है उसको 20 टू 40 किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देता है, और ये 20 टू 40 किलो हर्ट्ज की इलेक्ट्रिकल सप्लाई अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर को दी जाती है। और ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इस 20 टू 40 किलो हर्ट्ज की इलेक्ट्रिकल सप्लाई को 20 टू 40 किलो हर्ट्ज के मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। और ये मैकेनिकल वाइब्रेशन इस ट्रांसड्यूसर कोन की मदद से या हॉर्न की मदद से ये टूल को सप्लाई किया जाता है। ये वाइब्रेशन जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 टू 40 किलो हर्ट्ज है, ये टूल को सप्लाई किया जाता है। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे टूल इज फाइनली कनेक्टेड टू सर्वो मोटर, और सर्वो मोटर का काम क्या है, सर्वो मोटर का काम है कि ये जो टूल है इसको कांस्टेंट फीड प्रोवाइड करना या एक कंट्रोल्ड फीड प्रोवाइड करना, सो दैट द टिप ऑफ द वर्कपीस एंड टिप ऑफ द टूल एंड सरफेस ऑफ द वर्कपीस always maintains a constant gap between these two surfaces. Tip of the tool or workpiece की surface के बीच में एक constant gap हमेशा maintain रहे, right? Now यहाँ tool के सामने workpiece को रखा हुआ है, workpiece एक fixture के ऊपर है और fixture एक table के ऊपर रखा हुआ है। Now यहाँ पर आप देख रहे हैं एक reservoir है, और इस reservoir में abrasive slurry है, यानी water में या किसी लिक्विड मीडियम में एब्रेसिव, वेरी फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स आर मिक्स टुगेदर एंड एब्रेसिव स्लरी इज मेड, एंड दिस एब्रेसिव स्लरी इज सप्लाइड थ्रू ए पाइपलाइन इन द स्पेस बिटवीन टूल टिप एंड वर्क सरफेस। नाउ व्हेन करंट इज सप्लाइड दिस टूल वाइब्रेट्स अप एंड डाउन एंड इट स्क्वीजेज the abrasive slurry which is between the work surface and tool tip, and therefore this abrasive particles in this abrasive slurry erode the surface of the workpiece and reproduce the shape of the tool onto the workpiece. Now in this process, the tool which is made, it is generally made of very soft material, and the slurry which is either fed manually or through pump between the work surface and tool tip, and sometimes hollow tools are also used so that this abrasive slurry can be fed through it.
as we have seen in case of electrochemical machining. This tool can be made hollow and abrasive slurry can be passed through it, right? Now transducer made in this process, used in this process, is generally made of magnetostrictive material. और मैग्नेटोस्ट्रक्टिव मटेरियल क्या होता है, जब उस मैग्नेटोस्ट्रक्टिव मटेरियल के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है तो उसका साइज बदलता है. जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जाएगी तो उसका साइज बड़ा होगा और जब मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जाएगी तो उसका साइज छोटा हो जाएगा और उसी की वजह से ये वाइब्रेशन पैदा होते हैं. इस प्रोसेस से जनरली हम बहुत ही हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स को मशीन कर पाते हैं. नौ जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं जनरली उनका ग्रेन साइज जो है 200 से 400 ग्रिट यूज़ किया जाता है रफिंग ऑपरेशन के लिए और 800 से 1000 यूज़ किया जाता है ग्रिट साइज फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए. और जो एब्रेसिव जनरली हम यूज़ करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल, वो अल्मोनियम ऑक्साइड के हो सकते हैं, बोरॉन कार्बाइड के हो सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड के हो सकते हैं या डायमंड के भी हो सकते हैं, राइट. दिस वॉज ऑल अबाउट अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेसेस. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग अबाउट इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस.